BAMS 2021. Good afternoon to all of you, my teachers, seniors and all staff members. My name is Nandita from class first year. Sorry, from March 2021. हम लोग यहाँ पर रचनाशाली विभाग से कुछ प्रस्तुत करना चाहते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हर दिन हर घर आयुर्वेद को हम प्रस्तुत कर रहे हैं। उसमें हमारा टॉपिक है शरीर के विभिन्न अंगों को आयुर्वेदिक औषधि द्वारा किस प्रकार ठीक कर सकते हैं। जैसे मस्तिष्क बुद्धि को बढ़ाना, बुद्धि से रिलेटेड जितने भी सारी रोग होते हैं उन सबको हम इन औषधियों द्वारा सही कर सकते हैं, जैसे रामी, शंख पुष्पी। बाल, जैसे कि बाल रोग बहुत सारे होते हैं, किसी के बाल सफेद हो जाते हैं, किसी के झड़ने लगते हैं, इन बाल के रोगों को हम औषधियों द्वारा सही कर सकते हैं। जैसे कि आता है भ्रमराज, अगर सर में लगाया जाए उससे बाल बढ़ते भी हैं और सफेद होना भी बंद हो जाते हैं। एक आता है नारियल, नारियल तेल लगाने से भी बहुत से बाल झड़ने बंद हो जाते हैं। के बाद नेत्र से रिलेटेड जितने भी रोग होते हैं, जैसे खुजली, जलन, दर्द, इन सबको सही करने के लिए, इन रोगों को सही करने के लिए कुछ औषधियाँ हैं, जैसे आंवला, हरड़, बहेड़ा, मुल्टी। कान, जैसे कि नजला हुआ या कफ हुआ जिससे कान बंद हो जाते हैं, उनको हम औषधि द्वारा सही कर सकते हैं, जिसमें आता है सुदर्शन पिल। और नाक के रोगों को सही करने के लिए सरसों और शिकंजी, इन औषधियों का इस्तेमाल किया जाता है। गला, सबसे पहले जब भी कफ होता है गला बंद होता है, और हमारे घर में अनेक औषधियाँ हैं जिससे हम अपने गले के रोगों को सही कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आती है फुलेंगी और कंठकारी। इसके बाद त्वचा, आजकल जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे घर एलोवेरा, हल्दी, इन सब का इस्तेमाल किया जाता है त्वचा के रोगों के लिए। इससे हम घर बैठे ही त्वचा के रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। इनमें नीम, हल्दी, एलोवेरा जैसी औषधियाँ आती हैं। थैंक यू।